क्या इंटीजर हो सकती है? या तो माइनस वन हो सकती है या फिर जीरो या फिर क्या हो सकती है प्लस वन। अरे कॉस की वैल्यू कभी टू हो सकती क्या? अरे कॉस की वैल्यू का रेंज ही, कॉस की औकात ही किसके बीच में होती है? माइनस वन से प्लस वन के बीच में। तो हमने कहा हमें क्या फाइंड करना, क्रिटिकल पॉइंट। क्या क्रिटिकल पॉइंट का मतलब? जिसपे बिहेवियर क्या हो सकता है, चेंज। बिहेवियर मतलब वहां पर मे बी कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट यदि फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में, तो अंदर वाले को किसके बराबर? इंटीजर के बराबर। अब यहां से एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा, जैसे हम बोले कि कॉस एक्स, कॉस पाई एक्स, बेटा प्लीज बातें नहीं, कॉस एक्स पाई एक्स की वैल्यू माइनस वन कर दी, कॉस पाई एक्स की वैल्यू क्या कर दी? माइनस वन। अच्छा, कॉस की वैल्यू माइनस वन कब होती है? एक्स की वैल्यू बताओ बेटा, 180 पर। अरे 180 पर, 180 का मतलब पाई पर, और कहां पर माइनस वन होती है? पाई पर होती है, 3 पाई पर होती है और 5 पाई पर, इन सभी जगह पर क्या होता है? माइनस वन। अच्छा, ये इस जगह पर ये एंगल को हम पाई बना दें, इस एंगल को क्या बना दें? पाई। तो यदि एंगल इक्वल टू पाई रख दे तो पाई से पाई चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? वन। जो एक्स की वैल्यू आ रही है क्या वो अपने इंटरवल में है? है। इसका मतलब है वन पर मे बी फंक्शन कैसा हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, यहां से तो वन मिल गया। अच्छा, इसको टू पाई के बराबर करोगे, अरे सॉरी, थ्री पाई के बराबर करोगे तो थ्री, थ्री तो लेना नहीं है क्योंकि वो इंटरवल के बाहर। कॉस की वैल्यू कहां कहां माइनस वन हो सकती है? एंगल किसके बराबर हो? पाई। एंगल किसके बराबर हो? थ्री पाई। एंगल किसके बराबर हो? फाइव पाई। तो जैसे ही एंगल को पाई के बराबर किया, एक्स की वैल्यू वन अपने इंटरवल में है, एंगल को थ्री पाई के बराबर करोगे तो एक्स की वैल्यू थ्री अपने इसके बाहर हो जाएगा, तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं। एंगल को 5 पाई के बराबर करोगे तब भी एक्स की वैल्यू इसके बाहर हो जाएगी, मतलब उसको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक तो वन हो गया, जैसे मैं बोलू कॉस की वैल्यू जीरो, अरे ये भी तो इंटीजर हो सकता है। जैसे बोला जाए कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स जीरो, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ बेटा कॉस की वैल्यू जीरो कब होगी? 90 पर। 90 का मतलब पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू भी जीरो होती है, कॉस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू भी जीरो होती है, कॉस 5 पाई बाई टू की वैल्यू भी जीरो होती है। तो हम लोग इस जगह पर क्या करें, ये जो एंगल है इसको हम सबसे पहले किसके बराबर कर दें? इस एंगल को सबसे पहले पाई बाई टू के बराबर, तो पाई से पाई चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू 1/2। क्या एक्स की वैल्यू जो 1/2 आई क्या इस इंटरवल में है? ठीक है। अच्छा, यदि इसी वैल्यू को, हमने बोला कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, ऐसा भी तो हो सकता कि एंगल किसके बराबर हो जाए? 3π/2। अच्छा, इस एंगल को यदि 3π/2 के बराबर करते हैं तो 3π/2 के बराबर करने पर पाई से पाई चला जाएगा। क्या एक्स अपने इंटरवल में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन था केवल किसके बीच में? 0 से 1। अरे वो इंटरवल बात अलग, ये भी तो देखना जो अपना पर्टिकुलर फंक्शन वो भी किसके बीच में है। तो जो एक्स की वैल्यू 3/2 आ रही क्या इस वाले में है? नहीं है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? बाहर हो गई। क्या ये बात सबको समझ में आई? इसका मतलब बस 1/2 इसमें भी था और अपने इंटरवल में भी था। जब इसको हमने इंटीजर के बराबर किया तो यहां से जब 3/2 आ रहा था, बट यहां पर 3/2 नहीं है इसलिए उसको कंसीडर नहीं करना। अच्छा, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पर। एंगल को 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 को लेना नहीं है क्योंकि इस पे क्या लगा? ओपन। अच्छा, और कहां पर कॉस की वैल्यू आपकी 1 होती है? 2 पाई पर। यदि इसको 2 पाई के बराबर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अरे ये 2 पाई के बराबर होगा, पाई एक्स इक्वल टू 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू 2। क्या वो अपने इंटरवल में है? नहीं, वहां तो ओपन लगा, मतलब और कोई वैल्यूज अपने इंटरवल में नहीं मिल रही है। एक बार फिर से समझना, कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? कितनी जगह? 5 जगह। उसमें से एक चेहरा दिख रहा है, कौन सा? ग्रेटेस्ट।
ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाले को क्या करते हैं, इंटीजर के बराबर। कॉस माइनस वन के बराबर हो सकता है, कॉस जीरो के बराबर हो सकता है, कॉस वन के बराबर। लेकिन याद रहे जो भी एक्स की वैल्यू आए वो किसके बीच में, जीरो से वन के बीच में, क्योंकि ये फंक्शन केवल जीरो से वन के बीच में वैलिड है। तो हमने एक बार क्या किया, कॉस की वैल्यू किसके बराबर की, माइनस वन के बराबर। जैसे ही माइनस वन के बराबर की, तो मुझे पता है कि कॉस की वैल्यू माइनस वन कब होती है, जब एंगल कितना हो जाए पाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, कितनी, वन। क्या वन अपने इस इंटरवल में है और इसमें भी है, तो इसको कंसीडर करना है। अच्छा, कॉस को हमने जीरो के बराबर किया, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, कब होती है, जब एंगल किसके बराबर, पाई बाई टू के बराबर। यहां से कट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, वन बाई टू। क्या अपने इस इंटरवल में है, इसमें भी है और इसमें, तो ये हो गया। अच्छा, कॉस की वैल्यू वन कब होती है, जीरो पर। तो जब एंगल को जीरो के बराबर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। कंसीडर नहीं करना क्योंकि अपने मेन इंटरवल में नहीं है। अच्छा, यदि हम इसको एंगल को टू पाई के बराबर कर दे तब भी तो कॉस जीरो देता है। टू पाई के बराबर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टू। वो भी अपने इसके बाहर है क्योंकि हमें जो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी, ओपन इंटरवल में चेक करनी, मींस ना तो जीरो पे चेक करनी है और ना ही पाई बाय टू, इनके बीच में चेक करना है। तो एक केस तो हमने देखा, कौन सा वाला, डब्बा वाला। अब कोई दूसरा चेहरा, क्या इसमें सिग्नम दिख रहा है, दिख रहा सिग्नम नहीं। क्या इसमें फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, नहीं। क्या इसमें कहीं डिनोमिनेटर दिख रहा है, अरे बोलो भाई, कहीं डिनोमिनेटर नहीं। क्या कहीं इसमें डेफिनेशन चेंज दिख रही है, अरे दिख रही। किस जगह पर, लेस देन वन के लिए अलग फंक्शन और ग्रेटर देन वन के लिए अलग फंक्शन। तो इसमें कितने चेहरे दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक डब्बा और एक डेफिनेशन चेंज। डब्बा कहां कहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो कौन कौन सी वैल्यूज आई, वन और वन बाई टू। और डेफिनेशन किस जगह पर चेंज हो रहा है, वन पर। तो वन तो पहले से लिखा है, इसका मतलब केवल जीरो से टू के बीच में ऐसे दो नंबर हैं, कौन कौन से, वन और वन बाई टू, जहां पर फंक्शन कैसा हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मींस हमें किस पे चेक करना है डिसकंटिन्यूटी, वन और वन बाई टू पर। क्लियर है, अरे बात समझ में आ रही है। तो अभी सबसे पहले हम लोग किस पे, इतना पहले नोट करो अच्छे से, तो जिन्होंने कल की क्लास की है उनको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये कल का क्वेश्चन है। कल ये होमवर्क दिया था हमने क्वेश्चन आपको, क्योंकि इंजन गर्म हो गया था तो क्लास छोड़नी पड़ गई थी, है ना। नोट हो गया सभी से, अब कहां पर चेक करना बेटा हमें डिसकंटिन्यूटी, वन बाई टू और जीरो। तो सबसे पहले हम लोग किस पे चेक कर लें, किस पे चेक करें, सॉरी वन बाई टू और वन पे चेक करना है, वन बाई टू पे चेक कर लें। अब वन बाई टू पर क्या चेक करना बेटा, डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, ये फंक्शन इसका क्या क्या निकालना पड़ेगा, अरे वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो बाउंस मार जाएगा। मिनट, बहुत ध्यान से समझना। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ले ले, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा वन बाई टू के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन, ठीक है। तो कहां पर एक्स की वैल्यू वन बाई टू मिलेगी, क्या इस वाले में मिलेगी, बोलो भाई, क्या x की वैल्यू 1 बाई टू जीरो के, जीरो से 1 के बीच में। तो मतलब 1 बाई टू के लेफ्ट के लिए 1 बाई टू से जस्ट छोटा भी इसी में मिलेगा, अरे बोलो भाई, और 1 बाई टू से जस्ट बड़ा भी इसी में मिलेगा। अरे जैसे कोई नंबर है या जीरो से, जैसे यहां से जीरो से 1 के बीच में लिख दिया, ये 1 बाई टू है, मैं बोलू 1 बाई टू यहां दिख रहा है कि नहीं, और 1 बाई टू से जस्ट बड़ा भी इसी के बीच में है और 1 बाई टू से जस्ट छोटा भी इसी के बीच में। इसका मतलब 1 बाई टू के लिए मेन फंक्शन भी यही है, लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन है और राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन है। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, इसका मतलब 1 बाई टू के, 1 बाई टू के लेफ्ट में। तो x की वैल्यू किससे छोटी, 1
वन बाई टू से, और कितनी छोटी, बिल्कुल हल्की सी छोटी, मतलब लगभग वन बाई टू है बट थोड़ा सा छोटा है, तो वन बाई टू से थोड़ा सा छोटा इसमें रख के देखते हैं। सुनना बेटा बहुत ध्यान से, मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस और पाई लिखा है, और वन बाई टू से थोड़ा सा छोटा करोगे, वन बाई टू से थोड़ा सा छोटा मतलब ऊपर क्या लगा दिया, माइनस। तो आप एक चीज ये बताओ, जो ये एंगल बनेगा क्या ये पाई बाई टू से थोड़ा छोटा बनेगा? अरे बोलो भाई, अरे जैसे ये पाई था, पाई को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, पाई बाई टू। अरे जैसे मैं बोलूं कि पाई को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करो क्या बना, पाई बाई टू, और मैं बोलूं पाई को वन बाई टू से थोड़े छोटे से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, ये एंगल पाई बाई टू से छोटा। अच्छा, कॉस की वैल्यू यदि पाई बाई टू से छोटी है, 90 से छोटी है, तो कॉस किस क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। और कॉस की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, कॉस की वैल्यू किसके बीच में, जीरो से वन के बीच में। अब जीरो से वन के बीच वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, एक बार फिर से समझे, किसको किसको समझना है दोबारा, ओके। अब इधर फोकस करना, अगल बगल नहीं फोकस करना है। हम लिमिट किस पे निकाल रहे हैं, किस पे, वन बाई टू। तो सबसे पहले तो देखना है कि कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड, तो वन बाई टू के जस्ट छोटे के लिए। तो क्या वन बाई टू से जस्ट छोटा इसमें मिल रहा है, तो क्या ये फंक्शन है, इसमें हमने एक्स की जगह किससे छोटा रखा, वन बाई टू से छोटा, तो कॉस लिखा, पाई लिखा, एक्स की जगह जो भी पुट किया वो वन बाई टू से छोटा। तो यार पाई को यदि वन बाई टू से मल्टीप्लाई करें तो पाई बाई टू बनता है, लेकिन पाई को वन बाई टू से छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई टू से छोटा हो जाएगा। पाई बाई टू से छोटा हो जाएगा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉस की औकात किसके बीच में होती है, माइनस वन से वन के बीच में, लेकिन पॉजिटिव में देखें तो वो कितना हो जाएगा, जीरो से वन के बीच में। और कोई नंबर यदि जीरो से वन के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये वन तो नहीं हो सकता है। अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है, एक मिनट बेटा। बात है नहीं बेटा, अच्छा ये बात सबको समझ में आई, यार जब x की वैल्यू, बेटा प्लीज बातें ना करें, जब x की वैल्यू 1 बाई टू से छोटी होगी और उसको पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई टू से छोटा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस कैसा, पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू किसके बीच में, जीरो से वन के बीच में, तो जीरो से वन के बीच वालों का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। अच्छा इसके राइट हैंड साइड पे जाएं, यदि राइट हैंड लिमिट देखें, इसका मतलब x की वैल्यू किससे बड़ी, 1 बाई टू से
थोड़ी बड़ी इसमें रख के देखें, क्योंकि यही फंक्शन आपका राइट हैंड के लिए भी है, तो ये फंक्शन हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई लिखा और x की जगह 1/2 से थोड़ा सा बड़ा। अच्छा 1/2 से बड़ा, यदि पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई टू से बड़ा। पाई बाई टू से बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा वो भी किसके बीच में कॉस होगा? माइनस वन से जीरो के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन से जीरो के बीच वालों का माइनस वन। तो यहीं से दिख रहा कि ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पर होगा? एक्स इक्वल टू 1/2 पर। इतना नोट करें, इसमें कहीं पर डिस्कस करना हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आप लोग फोकस नहीं करते हो, कंसंट्रेट नहीं करते हो, दिमाग इधर उधर चलता तो समझ में नहीं आता है। इतना छोटा सा यार, 1/2 से छोटा डालोगे इनटू पाई, तो पाई बाय टू से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच वालों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। पाई बाय टू से 1/2 से बड़ा डालोगे मतलब पाई बाय टू से बड़ा हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। माइनस 1 से 0 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1। दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा ये 1/2 पर तो चेक हो गया, अभी किस पर चेक करें? किस पर चेक करें? 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। देखिए जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आप में आए हैं, अभी 3-4 क्वेश्चंस PYQs लेने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो बच्चे डेली आते हैं उनको तो समझ में आएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यार बंक मारते हो तो यार हम क्या कर सकते हैं, मेरी भी मजबूरी होगी कि हम समझा नहीं पाएंगे आपको। हाँ ये आगे के जो चैप्टर्स होंगे यदि आप रेगुलर रहोगे तो आपको समझ में आएगा। किस पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है? 1 पर। तो सबसे पहले कौन सी लिमिट निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिखना बंद करो बेटा, 1 के लेफ्ट में जाओगे तो लेस देन 1, फंक्शन कौन सा होगा लेस देन 1 के लिए? क्या ये फंक्शन है 1 से लेस? इसमें रखो बेटा, इसमें हम लोग गए कॉस पाई, x की जगह किससे छोटा? 1 से छोटा। अच्छा 1 से छोटा, सुनना बेटा, 1 से छोटा मतलब ये टोटल एंगल किससे छोटा? पाई से छोटा। पाई से जस्ट छोटा, अरे बोलो भाई। तो पाई से जस्ट छोटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, किसके बीच में? माइनस वन से जीरो के बीच में कॉस होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे नंबर्स जो माइनस वन से जीरो के बीच में, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? माइनस वन होता है। क्लियर है? अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें? वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूटी में तो तीनों चीजें निकालनी होती है। एक्स इक्वल टू 1 कहां पर लिखा हुआ? क्या इस जगह पर? यदि इसमें 1 रखोगे तो कितना बनेगा? कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा राइट हैंड साइड पे जाएं तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, तो एक्स ग्रेटर देन वन क्या इस जगह पर लिखा हुआ है? मतलब फंक्शन क्या ये हो जाएगा? एक्स की वैल्यू किससे बड़ी? वन से बड़ी। अरे एक्स की वैल्यू किससे बड़ी? वन से बड़ी। कितनी बड़ी? थोड़ी सी वन से बड़ी। तो यहां रखो, इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, अरे उन पांचों में से तो नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। इसमें डायरेक्टली हम क्या रख दें? वन। वन रखोगे 4 × 1 = 4, 4 से 5 गया माइनस वन, माइनस वन का मॉड 1, तो ये तो 1 दे दिया। इनटू में क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है? 1 से बड़ी, तो 1 से बड़े वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से बड़े वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1। मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई? क्या बात सबको समझ में आ रही? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर नहीं, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है? कौन सी? नॉन रिमूवल। और नॉन रिमूवल में भी कौन सी है? कौन सी? अरे लेफ्ट हैंड भी फाइनाइट है और राइट हैंड भी फाइनाइट लिमिट है। मतलब कौन सी? फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? तो ये तो कल हमने होमवर्क आपको दिया था और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे थे जिनको आज हम लोग करते हैं। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं। लास्ट लेक्चर पे भी पीवाईक्यू किए थे, मतलब मेरी बात सुन लो बेटा,
कंटिन्यूटी में जितने क्वेश्चंस मैंने आपको नोट में नोट्स में कराए इतना इनफ होगा जेई मेंस के लिए जो जनवरी का पेपर है। उसके आगे तो हमें 3-4 महीने और मिलेंगे तो उसमें बहुत अच्छा और कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो केवल नोट्स को ही रिवाइज कर सकते हैं। चलिए जेई मेंस का मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लोग लेते हैं। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, अब जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सब ऐसे ही हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल क्यूब अल्फा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें यह बोला गया है, ये गिवन है, क्या गिवन है बहुत ध्यान से देखो बेटा, गिवन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और वो भी कहां पर कंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस भी दे दे, ये आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको सॉरी एक का मतलब किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बतानी है। जो अल्फा की वैल्यू होगी सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन में है पाई बाय रूट टू, दूसरा ऑप्शन इसका है 0, तीसरा ऑप्शन इसका है अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 और फोर्थ ऑप्शन है नो सच अल्फा एग्जिस्ट, ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक बार यह क्वेश्चन नोट कर ले, अच्छे से क्वेश्चन नोट करें, जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपस में बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, अच्छे से क्वेश्चन नोट करें, नहीं आ रहा है चुपचाप बैठो, और जिसको आ रहा है 2 मिनट का समय 1 मिनट का समय अच्छे से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें ये लिखा हुआ है सीधे सीधे, ये जो फंक्शन अंदर करली ब्रैकेट के ये लिखा हुआ है, ये कौन सा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नहीं लिखा होगा तो हम सिंपल ब्रैकेट मानेंगे, बट इस क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है दिस रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है। अरे बोलो भाई, जैसे जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, आप बताओ बेटा 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2 नहीं होगा वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, 2.3 का 0.4 भी नहीं होगा बेटा, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा। आप बताओ बेटा माइनस के 4.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, अब यार ये चीज यार रिवाइज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस तो नहीं लगने वाले, इतनी चीज आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट देखो यार, क्वेश्चन तो छोड़ो इधर देखो सभी लोग, यार फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या थी, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन एनीवन कोई बताएगा, जिसको भी आ रहा है रेज योर हैंड, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन, हाँ बताओ बेटा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब एक्स से उसका इंटीग्रल पार्ट क्या कर दें, रिमूव। इन्होंने कहा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की क्या होती है, डेफिनेशन। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला 2.7
2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो x की वैल्यू कितनी है 2.7, तो 2.7 से 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव कर दीजिए, तो 2.7 लिखा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 2, बचा कितना 0.7। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था माइनस का 4.6, माइनस के 4.6 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो x की जगह कितना लिखा हुआ है, अरे x की जगह माइनस का 4.6, तो यहां रखते हैं x की जगह माइनस का 4.6, माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस के 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस के 4.6 से माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा, -5, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए बचा कितना 0.4, तो इसका मतलब माइनस के 4.6 का ग्रेटेस्ट इस फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.4। तो सीधी सी बात है, x से उसका कौन सा पार्ट रिमूव कर दें, इंटीग्रल, x से उसका कौन सा पार्ट रिमूव कर दें, इंटीग्रल, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है, फ्रैक्शनल पार्ट की। अब एक चीज और बहुत ध्यान से बेटा, ग्राफ याद है फ्रैक्शनल पार्ट का, याद है आपको, आप ये बताओ जीरो से जस्ट बड़ा आप यदि उसमें फ्रैक्शनल पार्ट में रखोगे तो आंसर कितना मिलेगा, हाँ 0.,  आप बताओ, अच्छा जीरो से जस्ट छोटा रखने पर आपको फ्रैक्शनल पार्ट क्या आंसर देगा, एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझो बेटा इधर समझो, नहीं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, बताओ दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है, एनीवन कोई बता सकता है, इन केस ऑफ लिमिट जीरो से जस्ट बड़े पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा और जीरो से जस्ट छोटे पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, एनीवन रेज योर हैंड, हाथ उठाओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, और कोई, आपको केवल आ रहा है, और कोई बताओ बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, जीरो से जस्ट बड़ा रखे तो क्या मिलेगा, जीरो से जस्ट छोटा रखे तो क्या मिलेगा, क्या बढ़िया क्लास है, 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5, 6 हाथ उठे हैं, हाँ सबसे पीछे वाले बताओ, तुम जीरो से छोटा रखोगे लगभग क्या मिलेगा, तुम ज्ञान ना दो बस आंसर बताओ, नहीं बता सकते हो ठीक है, हाथ नहीं उठाओ, हाँ आप बताओ, नहीं आप बताओ, वन माइनस जो नंबर लिया, हाँ आप बताएं, हाँ वन से माइनस करके लिख दोगे, गुड, हाँ आप बताओ बेटा क्या, हाँ पढ़ा लिया तो H लिखेंगे। अब सुनो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाता हूं, थोड़ा सा याद होगा आपको, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा वाई एक्सिस है, फ्रैक्शनल पार्ट की औकात किसके बीच में होती है, जीरो से वन के बीच में, बट वन कभी भी नहीं होता है। अच्छा एक्स पर देखें, जीरो से वन, वन से टू, इधर माइनस वन, बट मैं ग्राफ केवल मैं बनाने वाला हूं माइनस वन से वन के बीच में, इतना काम चल जाएगा इतने में। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट जीरो पर कितना देता है, जीरो, और जीरो से वन के बीच में क्या देगा, उसी के हिसाब से देगा, और वन पर कितना देगा, वन पर अगेन जीरो देने लगेगा, अरे याद होगा ऐसे। अच्छा इस साइड आ जाए, जीरो से छोटे के लिए माइनस वन से जीरो के बीच में क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ था, अरे ग्राफ तो याद होगा ना आपको पक्का। अब समझो बेटा, यदि इसमें हम लोग देखें, इस फंक्शन में जीरो से बड़ा रखा, जीरो से क्या रखा बड़ा, जीरो से क्या रखा बड़ा, ठीक है, या जीरो से जस्ट बड़ा रखोगे तो लगभग वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है, जीरो, अरे लगभग वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है, जीरो आती हुई दिख रही कि नहीं, तो लगभग वैल्यू जीरो आती हुई दिख रही है। और यदि आपने जीरो से छोटा रखा तो जीरो के लेफ्ट में चले जाओ, और जैसे ही लेफ्ट में गए तो इसके सामने वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है, माइनस वन। एक बार फिर से समझाते हैं, समझो इधर
इधर देखो ये कौन सी लाइन है, अरे ये कौन सी, x इक्वल टू जीरो। अब जीरो के राइट में जाओ, वो भी कितना राइट में, जस्ट राइट में, जस्ट राइट में ये मिल रहा है क्या, ये लगभग वैल्यू कितनी दे रहा है, जीरो। अरे लगभग वैल्यू देना है। अब जीरो के लेफ्ट में जाओ, तो इसके जस्ट लेफ्ट में जाओगे, क्या फंक्शन यहां पर है, अरे इस लाइन के जस्ट लेफ्ट में देखो फंक्शन उधर ऊपर की तरफ दिख रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, वन है, वन है, है ना, वो धोखे से माइनस वन लिख गया है, कितना है प्लस वन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, अरे बोलो भाई, अरे जीरो के राइट में कितना लगभग, जीरो, जीरो के लेफ्ट में कितना, वन, क्लियर है। अब इसमें एक बच्चे ने और कुछ भी बोला था कि सर यदि आप जीरो के राइट में जाते हो, ठीक है, मान लीजिए जीरो के राइट में जाते हो तो वही फंक्शन बना रहेगा एक्स, कौन सा, आरिबास में, बट इतना सबसे पहले तो इतना नोट करो, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट करें बेटा, पहले तो ये नोट कर लो जो लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, यदि इतनी चीट आ गई है, यदि इतना समझ में आ गया है, तो आप में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके आंसर बताने की कोशिश करें। इसमें क्या गिवन है, फंक्शन इज, फंक्शन कैसा है, अरे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, किस जगह पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर, यह भी पता कि किस एक्स की वैल्यू पर, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। करे भाई सोचे, एक मिनट आपको सोचने का समय दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये समझ लो बेटा, जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस में। बात है नहीं बेटा, कोई बता सकता है बेटा, सबसे पहले सुनो बहुत ध्यान से, ये रफ कर दें, ये जो लिखा है रफ करें, इसको हटाया, ये सब पहले से भी आना चाहिए था, ये फर्जी का बस टाइम लॉस हो रहा है, क्योंकि आप लोग बता कुछ नहीं पा रहे हो। अब समझे, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से बेटा, कुछ बच्चों की आवाज आ रही है, बात करनी तो बाहर चले जाओ, ये तो इधर फोकस करो, नहीं तो कुछ आएगा नहीं समझ में, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है, मैं फर्जी का यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करूं कराऊं कि आप खुश रहो, तो वो फिर बेकार है। ये क्वेश्चंस जो भी मैं करा रहा हूँ कंटिन्यूटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई एडवांस मेंस के लिए, इसलिए जैसे क्वेश्चंस करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस हैं, तो बहुत अच्छे से फोकस कर लो, बहुत ध्यान से देखना। यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और किस पर कंटिन्यूअस है, जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा इसमें यदि हम लोग देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब किसके लेफ्ट में बेटा, जीरो के लेफ्ट में, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा हुआ है। अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर बेटा, जीरो पर, राइट हैंड लिमिट का मतलब किस पर, जीरो के राइट में। क्या यह बात सबको समझ में आ रही है। अरे इसमें क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस है, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या मतलब, एग्जैक्टली जीरो पर चीजें देखी गई हैं, और इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस मतलब एक्स की वैल्यू थोड़ी जीरो से बड़ी है, इस वाले केस में थोड़ी जीरो से छोटी है, और इस केस में एग्जैक्टली कितना है, जीरो। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी वैल्यू निकालते हैं, ये कौन सी लिमिट है,
लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ जीरो माइनस बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो लिमिट लिखोगे x टेंस टू जीरो से, बेटा कोई बोल रहा पिट जाओगे, क्या दिक्कत है, जीरो माइनस x टेंस टू कितना लिखा हुआ है, जीरो माइनस मतलब x की वैल्यू किससे छोटी, जीरो से छोटी। अब सुनना बेटा, इसमें कौन सा फंक्शन लोगे, x इक्वल टू जीरो के लिए तो ये फंक्शन है, और डज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ऊपर मतलब ग्रेटर देन जीरो के लिए भी वही है और लेस देन जीरो के लिए भी वही है। जीरो के लिए कौन है, अल्फा, एक्स इक्वल टू जीरो पर अल्फा, और यदि एक्स जीरो नहीं है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन, ये मतलब ग्रेटर के लिए भी वही और लेस के लिए भी वही। तो लेस देन के लिए फंक्शन लिखते हैं, अपने पास क्या फंक्शन है, कॉस इनवर्स के अंदर एक ये सिंपल सा ब्रैकेट लिखा है, फिर वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के अंदर लिखा सिंपल सा ब्रैकेट वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये उसमें दिख रहा है। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझे बेटा, अच्छा नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक काम करें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लोगे इस जगह पर क्या बचेगा, वन, यहां पर क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके भी दो फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर क्या बनेगा वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और दूसरा फैक्टर क्या बचेगा वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ये ऐसा कैसे पता चला कि यहां पर फैक्टर्स करने हैं, ऐसा कैसे पता चला, क्यों हम फैक्टर्स कर रहे हैं, क्या नीड पड़ी कि हम फैक्टर्स कर ले, क्योंकि जो साइन इनवर्स के अंदर है यदि वही नीचे बन जाए, वही क्या बन जाए, नीचे बन जाए, तो उसकी वैल्यू भी वन हो जाती है। टेन इनवर्स के अंदर एक्स है और अपॉन में एक्स हो जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, वन। जैसे साइन साइन वाले में होता है और टेन वाले में, वैसे ही साइन इनवर्स और टेन इनवर्स वाले में भी होता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, एक्स की वैल्यू लगभग किससे छोटी, जीरो से छोटी। अच्छा जीरो से छोटे पर इतनी बात तो आपको पता है, जीरो से छोटे का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, पक्का, अरे अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, जीरो से जस्ट छोटे पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट लगभग कितना है, वन। तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्वांटिटी कितनी है लगभग, वन, वन से वन जाएगा, कॉस इनवर्स जीरो पता है आपको, अरे कॉस इनवर्स जीरो, आधे तो यही नहीं समझ पा रहे, कॉस इनवर्स जीरो कितना होगा, कितना होगा, पाई बाय टू। अब इतना भी नहीं समझ पाओगे तो क्या करेंगे, यदि इसमें तो जीरो से छोटा रखा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना दे रहा है, अरे जीरो से छोटा रखोगे फ्रैक्शनल पार्ट वन देगा, अब ये वन है तो वन से वन गया जीरो, कॉस इनवर्स जीरो कितना, पाई बाय टू, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पाई बाय टू है, इसको बाद में लिख लेंगे, अभी पाई बाय टू हो गया। अच्छा यहां देखो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू वन, क्यों वन, क्योंकि x की वैल्यू किससे छोटी, जीरो से छोटी, तो जीरो से छोटे पर फ्रैक्शनल पार्ट वन, वन से वन गया जीरो, साइन इनवर्स के अंदर कौन बना, जीरो, साइन इनवर्स जीरो कितना देता है, जीरो देता है, ये डब्बा गोल कर सकता है क्योंकि जीरो बाय जीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन सकती है। अच्छा आगे देखो ये कितनी वैल्यू लिखी हुई है, अरे वन लिखा है, अरे जीरो माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट वन, ये कितना लिखा है, टू लिखा है, अरे बोलो भाई, और ये कितना लिखा, तो एक चीज समझो, इतना जो ये पोर्शन है ये बेचारा बहुत सुंदर पोर्शन है, इसको कोई दिक्कत, बस दिक्कत किसमें है, इस वाले में, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स दिस अपॉन वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, इतना पोर्शन क्या फॉर्म कर रहा है, जीरो बाई जीरो, यही तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा है, और सब तो बढ़िया है, तो जो बढ़िया उसको लिख दो, ठीक है, जो बढ़िया है उसको हम लोग लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कितनी वैल्यू आई थी, पाई बाय टू, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू टू, पाई बाय टू अपॉन टू,
कितना? पाई बाई फोर। अब बचा छोटा सा क्वेश्चन, साइन इनवर्स और सिंपल सा ब्रैकेट वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, इस वाले को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? अरे इसकी वैल्यू कितनी होगी? वन। वी नो दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन इनवर्स के अंदर जीरो बने अपॉन जीरो, तो उसकी वैल्यू वन। सिमिलरली साइन में भी होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन, ठीक है। तो साइन इनवर्स में भी वही फॉर्मूला यूज होता है, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या लिख दे, वन। तो आंसर बचा कितना है, ये पाई बाय फोर और ये वन मिल करके कितना आया, पाई बाय फोर। क्या किसी को लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई दिक्कत है? एक बार लिख लो, लिखते समय कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो, और जिनसे लेफ्ट हैंड हो गया वो राइट हैंड पे पहुंच जाओ, और एक बार अपने से सॉल्व करो, देखो कहां गलती हो रही है, और जिस जगह आप गलती करोगे वो चीज जब सीखने को मिलेगी तो भूलोगे नहीं, और यहां डायरेक्ट देखोगे तो भूल जाओगे। क्योंकि मैं एक इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप तुमको समझ में आ जाए, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो सीधे बोलता है जीरो माइनस वन पर फ्रैक्शनल पार्ट वन होगा। ये कितना हो गया, ये आपका पाई बाय टू हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, पाई बाय फोर हो गया। अच्छा ये जीरो बाय जीरो बन रहा है, साइन इनवर्स के अंदर जीरो, ये जीरो मतलब वन हो गया, पाई बाय फोर आंसर आ गया। इतना समझो तो समझो काय का जे की कोचिंग करने आयो, है ना, तो इतना तो आना चाहिए। अभी तो समझ में आ गया होगा जब इतनी देर में समझा पाए हैं। मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं बस बढ़िया से नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से नोट्स को रिवाइज करके चले जाना, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेना, सब कुछ जेई मेंस में उसी से फंसेगा। कुछ मत करना एक्स्ट्रा, कोई हेडिंग फर्जी की मत पढ़ना, फर्जी की कोई भी हेडिंग मत पढ़ना। आप सिलेबस निकाल लेना, जेई मेंस का जो सिलेबस है उसमें जो जो हेडिंग्स हैं, खासकर आप लोग देखते होंगे, जैसे मैं आपको देखूं मैथमेटिक्स में, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई कोऑर्डिनेट जैसे पढ़ाया तो बता दिया टेंजेंट नॉर्मल कॉर्ड बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, तो इन पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं फंक्शंस मैंने पढ़ाया तो फंक्शंस में भी बता दिया कि कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन या वन वन ऑन टू, ये सब क्या है, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी पढ़ा रहा हूं, तो मैंने बोला कि इस पर मिक्स्ड प्रॉब्लम आता है जेई एडवांस में, ठीक है, तो कैसे कहां से किस हेडिंग से आते, वहीं से आते, उसके अलावा कहीं से आता ही नहीं है। ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी होता है, ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे बहुत सारी हेडिंग, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस केवल उतनी करनी जो हेडिंग जेई मेंस के सिलेबस में। हम आपको पढ़ा देंगे पता नहीं कौन सी नेमिंग रिएक्शन, फिजिक्स में पता नहीं कौन कौन से कॉन्सेप्ट, लेकिन वो आपको यदि सेलेक्ट होना है आप जेई मेंस का सिलेबस निकाल लो, उसमें हेडिंग वाइज जो जो हेडिंग है उनको पढ़ते चले जाओ, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ो। एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो टाइम लॉस होगा, तुमको लगेगा यार बढ़िया ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, और वहां कुछ आएगा ही नहीं, आएगा केवल किससे, जो हेडिंग्स उनके, हाँ उन हेडिंग पे अच्छी सी मेहनत कर लो, उन हेडिंग्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। ये नहीं कि ऑर्गेनिक पढ़ लिया या उसमें मैकेनिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स में आप उसे फिजिक्स में मार्क करते जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से केस बनाते चले जा रहे हैं, केस पे केस ठोकते चले जा रहे हैं, और वहां केस के केस कुछ आए नहीं, और कौन से केस आ गए जो मेन मेन हेडिंग थी उनसे क्वेश्चन आ गए, क्योंकि वो तो किए नहीं, हम लोग तो केस पे केस ठोकते रहे, है ना। तो यार ये सीधी सी मैं बात आपको बता रहा हूं, यदि आपको सेलेक्ट होना है जेई मेंस का जो सिलेबस में जो हेडिंग्स हैं, जैसे आपने मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा तो उसमें आपका कूलॉम्स लॉ हो गया, गॉस थ्योरम हो गया, या जो भी उसमें हेडिंग्स हैं केवल उनके क्वेश्चंस, ये नहीं कूलॉम्स लॉ में एक वो कौन सा एंगल आ जाता है, वो ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में पता नहीं कौन फर्जी अर्जी वाले एंगल होते हैं उसमें एक होते हैं, वो सब नहीं पूछा जाएगा कभी जिंदगी में, नहीं पूछा जाएगा, वो सब पढ़ा दिया जाता है इसलिए क्योंकि आप बुक्स लगाओ या कोई बुकलेट लगाओ या कहीं से लगाओ तो उनमें क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये बुक्स होती ना अरियन सिंगेज विंगेज इंगेज, ये केवल क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम अरियन देखोगे सिंगेज देखोगे तो सिंगेज में एक ये हेडिंग ज्यादा मिलेगी, ये क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, और वो जो ज्यादा मिलेगा वो सिलेबस में है ही नहीं,
समझ रहे हैं? तो जो सिलेबस में है उन हेडिंग्स पे प्रैक्टिस करना, फर्जी की मत सोचना, अच्छा ये नया पढ़े ले रहे हैं, ये हेडिंग तो उस बुक में थी नहीं, ये मिला बढ़िया रहा है, और वो कहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्जी की कोई भी हेडिंग पे आप प्रैक्टिस ना करें, आपको टीचर पढ़ा दें ठीक है, उतना समझ में आ गया, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी, आप निकाल लो या आप PYQ की बुक खरीद लो, प्रीवियस ईयर की बुक, या फिर मैंने आपको एक 43 या 42 भेजा है, उसमें स्टार्टिंग के पेजेस में देखो हर चैप्टर की हेडिंग लिखी कि कौन सी हेडिंग सिलेबस में है। आप केवल उन हेडिंग्स को पढ़ो, उनके अलावा कुछ भी ना पढ़ें, या फिर PYQ वाली बुक देखो, उसके अंदर हेडिंग लिखी होती है, आप जैसे इसमें कंटिन्यूटी में खोलोगे तो 2-3 हेडिंग मिलेंगी, एक फंडामेंटल कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन द इंटरवल, बस ऐसे 2-3 हेडिंग, इसके अलावा कोई हेडिंग नहीं है। तो जो हेडिंग्स PYQs में आई वही तो आएंगे, और पता नहीं क्या क्या तुम पढ़ डालोगे, है ना, और वो सब कुछ भी नहीं आएगा। तो एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, जो मेन हेडिंग उनको पढ़ो, उन पे प्रैक्टिस कर लो, 70% 80% उस पे कवर कर लो, बस काम हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश मत करना, ज्यादा ज्ञानी बनोगे सिलेक्शन नहीं होगा, उतना ज्ञान लेना है जो सिलेबस में है उस पे प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं अच्छा ये नया मिला तो इस पे क्वेश्चन लगाया जाए, ढूंढे जाए, और सब टाइम बर्बाद। ये हो गया सभी से, लिख गया। अच्छा अभी कौन सी लिमिट करनी है, राइट हैंड, किसने किसने निकाल ली राइट हैंड लिमिट? एक बच्चे ने, कितना आंसर आया बेटा राइट हैंड लिमिट का? 0 आंसर आया, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन इज, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट, कौन सा? नो सच अल्फा एग्जिस्ट, खत्म हो गया। अरे बोलो भाई, ऐसा कोई प्राणी जिसको नहीं आ रहा है तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, आपको नहीं आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है? जब बहुत सारे बच्चे, तो कौन सी राइट हैंड लिमिट निकालनी नहीं आ रही है और बहुत सारे बच्चों ने 0 निकाला है, तो देखते हैं उनका आंसर करेक्ट है या नहीं। 0 निकाला तो है, पता नहीं कैसे निकाला 0, तो उसको समझ लेते हैं। अच्छा इसी में चेंज कर ले, ये तो लिख गया ना सभी का, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। ये बेटा प्लीज बातें नहीं, ये गया यहां पे, इसी में चेंज। कैसे निकालना, किस वैल्यू पर निकालना है? 0 प्लस, क्या वही सेम फंक्शन लिखा हुआ है? सेम फंक्शन लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0 प्लस पर फ्रैक्शनल पार्ट लगभग कितना? 0। किसी को कोई दिक्कत? अब सुनो, अब इसमें दो, इसमें पुट करके देखो, सबसे पहले इसमें रखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर, अंदर कौन बचा? 1, कॉस इनवर्स वन 0, मतलब ये क्वांटिटी कितनी हो रही है? 0, पक्का। अच्छा ये वाली क्वांटिटी कितनी हो रही है? 0। तो अब इसमें थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन, ये जो सर्कल था, ये थोड़ा सर्कल बदल जाएगा। इतना पोर्शन देखो, ये 0 ऊपर बन रहा है और नीचे ये 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि नहीं। अच्छा आगे वालों को भी देख ले, ये कितनी वैल्यू होगी फ्रैक्शनल पार्ट की? 0 होगी, और 1 माइनस 0 कितना होगा? 1, साइन इनवर्स 1, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो π/2 हो गया। अच्छा ये कितना? अरे ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0, 1 प्लस 0 1, ये भी बढ़िया है। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0, 1 से 0 गया 1। ये सब खूबसूरत है, बस ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इस लिमिट को लिखते हैं, और लगभग किस पे है? 0 प्लस पर है क्या? एक्स बिलोंग्स टू 0 प्लस। अब सुनना बेटा, ये वैल्यू कितनी थी? किसी को कोई दिक्कत? पक्का दिक्कत नहीं है। ये π/2, ये कितना? 1, ये कितना? 1। तो π/2 को किससे डिवाइड किया? 1 से, कितना आया? ये मत सोचना, ये π/2, ये 1, ये 1, π/2 को 2 से डिवाइड ना कर देना। अरे 1 × 1 1, π/2/1 π/2, तो ये π/2 तो अलग हो गया। अब ये यार जो बचा हुआ है, ये क्या बचा? खतरनाक बचा हुआ है। कॉस इनवर्स के अंदर क्या है? सिंपल सा ब्रैकेट है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर है,
और अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये लिमिट बच रही है, ये पाई बाय टू तो कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर है। अच्छा कुछ बच्चों ने जीरो फाइंड किया आंसर, किसने किसने जीरो निकाला था, रेज योर हैंड। एक बच्चे ने निकाला है, वैसे बहुत सारे बच्चे बोले थे लेकिन हाथ एक उठा है। हाँ बेटा कैसे आपका इस लिमिट को आपने सॉल्व किया होगा, इस लिमिट को कैसे सॉल्व किया या जीरो कैसे आंसर आया, बस आप ये बताओ। हाँ आपने पहले वैल्यू रख दिया तो इन्होंने कहा सर ये कॉस इनवर्स वन आया, ये जीरो हो गया, जीरो इंटू लफड़ा अपॉन कुछ भी हो सब लफड़ा और जीरो आ गया, है ना, ऐसा तो नहीं था, यही किया क्या? हाँ तुमने यही किया तो तुमने लफड़ा कर दिया भाई, तो जीरो तो, और कोई बताएगा जीरो, शायद जीरो आ रहा हो, और किसका जीरो आया था, मतलब जीरो लफड़े में चला गया, तो अब तो चला गया, अब अपनी ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया क्या? अरे अपने पास ये छोटू सा लिमिट का क्वेश्चन बना, इतना नोट करो और इस छोटू से लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अरे नोट करो, जीरो पे तो लफड़ा हो गया, मतलब डी ऑप्शन में लफड़ा हो गया, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व है ना। कोई बताएगा बेटा? नहीं आ रहा है। अब सुनो, इधर सुनो सभी लोग, एक बच्चे ने बहुत बहुत अच्छी बात बोली थी मैंने, बट उसको इग्नोर कर दिया था, उसका दिल टूटा होगा। क्या बात बोली थी, कुछ तुमने कुछ बोला था, तुमने वाइट शर्ट, क्या नाम, रजत, हाँ क्या आपने कुछ बोला था, हाँ बोलो एक बार फिर से बोलो। वही मिल जाएगी, अच्छा गुड, आगे समथिंग कुछ वो मिलेगा, ठीक है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ऐसा कुछ बोला, इन्होंने ये बोला कि लेट अस कंसीडर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये क्या है, और इन्होंने कहा यदि ये जीरो से जस्ट बड़ा है, कैसा है, तो जो रख रहे हैं वही आंसर मिलेगा। तो हम लोग रख क्या रहे हैं एक्स, तो आंसर क्या मिलेगा, एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी, बहुत अच्छी बात इसने बोली, दोबारा समझाएं कि दिमाग तो है ही नहीं, है ना, तो ये वाली बात जब समझ नहीं आई होगी तो दूसरी बात समझो, क्या बताया जाए, कुछ समझो, इधर समझो, ये कौन सा फंक्शन है, अरे कौन सी लाइन है, कौन सी, y इक्वल टू x लाइन है, अरे बोलो, तो यदि मैं जीरो से जस्ट बड़ा पुट करूंगा तो कौन सा फंक्शन, अरे जीरो से जस्ट बड़े पर ये वाला फंक्शन है कि नहीं, और ये कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू x, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जा रहा है, x बन जा रहा है, अरे कौन सी लाइन बन जा रही है x, अच्छा मैं जीरो से जस्ट छोटा पुट करूंगा तो जो ये लाइन है ये कौन सी वाली लाइन है, कौन सी वाली लाइन, आप बताओ कौन सी लाइन है, हा? क्या बात, अच्छा सुनो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये इंटरसेप्ट कितना है, ऐसा मान लो ये इंटरसेप्ट कितना, अरे जब कुछ नहीं आता तो ऐसे ही बता दे, वैसे तो इक्वेशन वगैरह लिखवाई है मैंने, x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी निकली, कितनी आ रही है, क्यों 1 प्लस x आ रहा होगा ना, अरे 1 प्लस x आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कौन सा हो गया, y इक्वल टू 1 प्लस x, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को,
अच्छा अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से, तो आप याद रखना जस्ट जीरो के राइट में दोगे जो एक्स रखोगे वही एक्स आ जाएगा, और लेफ्ट में जाओगे तो वन प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना, तो जब उसमें एक्स घटेगा तब कुछ बन पाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है? अब सुनना बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से, एक प्रॉपर्टी आई अपने पास, जैसे ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? वन प्लस एक्स के बराबर। अब कब होगा? ये वाला एक्स क्या होना चाहिए? अरे जीरो से वन के बीच में, तो जीरो से वन के बीच में फंक्शन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और माइनस वन से जीरो के बीच में फंक्शन वन प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या हम ये देखें तो जीरो से जस्ट बड़ा मतलब जीरो से वन के बीच में देख रहे हैं, तो जीरो से वन के बीच में आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? y इक्वल टू एक्स। तो आपको बस ये छोटी सी बात याद रखनी है, फ्रैक्शनल पार्ट x कब होता है? जब ये जो x है ये किसके बीच में हो? जीरो से वन के बीच में। यदि x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है तो आपका ग्राफ y इक्वल टू एक्स का बनता, और जीरो से वन के बीच में क्या उसमें ग्रेटर देन जीरो भी आता है, तो x की वैल्यू जस्ट जीरो से बड़ी, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हो? x। तो इसमें क्या यही है, x की वैल्यू किससे बड़ी और जीरो से जस्ट बड़े पे देखोगे फंक्शन कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट को x लिख रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट का लफड़ा गायब हो गया, पाई बाई टू बाहर हो गया, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस था, और cos इनवर्स लिखा, और वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x लिखोगे का होल स्क्वायर, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x लिखोगे, ये क्वेश्चन बन गया। अरे जीरो से जस्ट बड़े के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखोगे? अरे जीरो से जस्ट बड़े के लिए फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। और जीरो से जस्ट छोटे के लिए फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर है? वन प्लस एक्स के बराबर है। आप देखिए जीरो से जस्ट बड़े के लिए फंक्शन वाई बराबर एक्स, और जीरो से जस्ट छोटे के लिए फंक्शन वाई बराबर वन प्लस एक्स। लिखवाया था कि नहीं जब ग्राफ पढ़ाया था? तो आप इसमें हटा दो फ्रैक्शनल पार्ट को, जीरो से बड़े के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर। क्या फ्रैक्शनल पार्ट गायब हो गया? अब ये बचा। अच्छा अब ये इधर वाला रफ कर दें, ये लिखना तो नहीं किसी को? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ये वाला फंक्शन किसके बीच में? जीरो से वन के बीच में, और ये वाला माइनस वन से जीरो के बीच में। ये सब पढ़ाया था कि नहीं यार बताओ? अरे ये बताया था। अरे यार जीरो से वन के बीच में कौन सा फंक्शन मिलेगा? वाई बराबर एक्स। वन से टू में कौन मिलेगा? माइनस वन से जीरो में कौन सा फंक्शन बनेगा? सब लिखवाया है। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो इजीली गायब कर सकते हैं जीरो से बड़े के लिए। जीरो से बड़े के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को एक्स लिख देते हैं, और जीरो से छोटे के लिए वन प्लस एक्स लिख देते हैं। अच्छा अब एक चीज सुनना बेटा, इतनी बात सबको आ गई, अब एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो लिमिट का क्वेश्चन, इसमें क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है? जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का गेम आ जाए तो उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर देना। किसमें? अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? एक काम करें, कॉस इनवर्स के अंदर कौन हो जाए? कॉस। जब कॉस इनवर्स के अंदर कॉस हो जाएगा तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो कॉस इनवर्स के अंदर एक्चुअल में लिखा क्या है? वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या मान ले? ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आती है। तो आपका ये पाई बाय टू तो पहले से लिखा हुआ है लिमिट में, राइट हैंड, कौन सा लिमिट चल रहा है? राइट हैंड लिमिट चल रहा है ना, राइट हैंड चल रहा है। तो राइट हैंड लिमिट में पाई बाय टू तो आगे हो गया, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस है, मतलब जीरो के जस्ट राइट में देख रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा cos इनवर्स, और वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा, और अपॉन में x की जगह क्या रखोगे? साइन थीटा रखोगे। वाह, अरे x की जगह वन माइनस cos थीटा का अंडर रूट। तुम लोग तो डिस्टर्ब कर दोगे। क्या ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हुआ? अच्छा एक चीज ये बताओ, x की वैल्यू लगभग कितनी है?
जब एक्स लगभग जीरो तो थीटा कितना? वन। अरे एक्स की वैल्यू लगभग कितनी? जीरो। रख के देखो, एक्स की जगह जीरो रखोगे तो इधर कितना बचा? वन। उधर क्या बचा? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू वन कब? जब एंगल कितना? जीरो। तो हम लोग यहां पर थीटा को भी क्या कर दे? जीरो। अरे भाई यहां लिमिट एक्स में थी तो एक्स में, अब यहां जब फंक्शन थीटा में तो आपका लिमिट भी थीटा में। एक बार फिर से, एक्स की वैल्यू कितनी? अरे लगभग जीरो। तो x की जगह जीरो रखोगे, इधर वन बचा। cos की वैल्यू वन कब? किस एंगल पर? जीरो पर। अब इतना भी नहीं आता cos वन कब है ना, तो क्या कर सकते हैं? आधों को, आधे मंडिया रहे होंगे, उनसे पूछो cos वन कब, सोचे साइन जीरो जीरो, साइन 91, जीरो साइन है, जीरो पे cos वन। हाँ cos 0 कितना? 1। आधी देर तो सोचेंगे है ना, खुद सोच लो, कौन कौन से ऐसे बच्चे हो, सोच लो जो ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आगे आओ, कौन सा? अब दो, cos इनवर्स की दुश्मनी किससे? cos इनवर्स की दुश्मनी किससे? cos से। बहुत मेहनत से आपको पढ़ाना पड़ रहा है। लिमिट थीटा लगभग कितना? जीरो है। अच्छा आप सुनना बेटा, ऊपर कितना बचा? थीटा, और नीचे कितना बचा? वन माइनस कॉस थीटा। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सॉल्व किया, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, पक्का? अरे बोलो भाई। और एंगल का आधा वाधा हो जाता है तो लिख देते हैं लिमिट थीटा टेंस टू जीरो प्लस। अच्छा ऊपर थीटा तो नीचे टू साइन स्क्वायर, मतलब टू का रूट, रूट टू, अरे टू का रूट, रूट टू, और साइन स्क्वायर का साइन, और एंगल का आधा। अरे बोलो भाई। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन लगेगा? अरे भाई लग जाएगा। तो पाई बाय टू लिमिट थीटा, हमें हंसी आती है आप लोगों पे, कितनी मेहनत से ये क्वेश्चन पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, ऊपर कितना है? थीटा। नीचे कितना? रूट टू। नीचे कितना? थीटा बाई टू। थीटा से थीटा, टू उचकेगा कि निचकेगा? उचकेगा, पक्का? तो टू उचक जाएगा तो कितना आंसर मिलेगा? कितना बचेगा? पाई बाई, पक्का? पाई बाय रूट टू बचेगा, लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप देख लो, क्या पाई बाय रूट टू बच रहा है? सोच लो भाई, ये ऊपर रूट टू, रूट टू, पाई बाय रूट टू। अच्छा क्या लिमिट इक्वल है? जब नहीं है तो ऐसी कोई अल्फा की वैल्यू नहीं होगी। आंसर तो तुम्हारा गुरु बहुत जल्दी आ गया था है ना, तो वहां तो किसकी जरूरत है, आंसर जरूरत है, वहां किसकी जरूरत है? इतनी सब मेहनत करने क्या फायदा हुआ है ना, जब वहां क्या था? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन? डी। जब ऑप्शन डी आ ही रहा था तो फर्जी की मेहनत कर ली है, थोड़ा सा टाइम लॉस हो गया है ना। तुम लोग निकाल देते जीरो, अरे निकाल देते कि नहीं? जब जीरो आ गया तो लिमिट इक्वल नहीं था तो ऐसा कोई अल्फा पॉसिबल नहीं होगा है ना। एक बार इसको दोबारा देखें क्या? नहीं ना, आगे बढ़े। चलो भाई एक क्वेश्चन और बेटा, प्लीज बातें नहीं, एक और अच्छा क्वेश्चन, और ये सब पढ़ाया हुआ है बेटा, प्लीज बढ़िया सा क्वेश्चन है। मैंने सोचा था आज डिफरेंसिबिलिटी चालू करूंगा, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कितनी देर लगनी चाहिए? जीरो प्लस, तो जीरो प्लस पर ये कितना? पाई बाय टू। ये कितना? ये कितना? पाई बाय टू बाहर आ गया। अच्छा ये कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना? कॉस थीटा। किस में चेंज किया? ट्रिग्नोमेट्री में। क्या लगाया? ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। क्या आधे मिनट का था? अरे बोलो भाई, अरे आधा कुछ लिखना ही नहीं है, बताओ यहां से कुछ लिखना है?
अरे यहां से कुछ लिखना है, यदि तुम पेन चलाओगे तो लिखो, कर सकते हो, क्योंकि वहां सारे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे होंगे, कम से कम जितने आ रहे वही हो जाए। अरे बोलो भाई, तो 8, 10, 15 क्वेश्चन जो आ रहे होंगे, बढ़िया पेन चलाना, उनको करके आना, ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। एक चीज ये बताओ, सबसे पहले तो पूछता हूं कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया, पढ़ाया गॉफ पढ़ाया, फॉग पढ़ाया, हॉग पढ़ाया। अरे एक फंक्शन एच एक्स होगा, एक फंक्शन जी एक्स होगा, तो कौन सा फंक्शन बनेगा कंपोजिट? एच ओ जी, कौन सा फंक्शन, कौन सा है ना, तो ये सारे फंक्शंस निकाल सकते हो। अरे बोलो, एफ ओ जी मतलब, एफ ओ पी मतलब, एफ ओ एफ मतलब फॉर्म, सब पढ़ाया ना। अच्छा इसमें भी दो तरीके के थे कंपोजिट, एक कॉस कैसा, यूनिफॉर्म फंक्शन का, और दूसरा याद है कौन सा वाला, नॉन यूनिफॉर्म वाला, याद है, पक्का याद है ना, वही वाला लेते हैं। और किसमें लेते हैं, और आया हुआ क्वेश्चन है, वो आया हुआ क्वेश्चन। अब कुछ ऐसे प्राणी होंगे तो गॉफ फॉग तो छोड़ो, हॉग कुछ भी नहीं आता उसको, है ना, जब आता ही नहीं, जब पढ़े नहीं हो, क्लास में नहीं आए हो, बंक मारे हो, पेट दर्द कर रहा था, सर दर्द कर रहा था, भूख लगी थी, हॉस्टल चले गए थे, कि पढ़ना टेंशन का है कि, है ना, बहन लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, दिक्कत थोड़ी पीछे वालों को होती है, तो साले कुछ बनाए होंगे सिस्टम, है ना, समझ रहे हैं, सिस्टम मतलब उनके पास पैसा ऐसा खूब होगा घर पे, जब पैसा होगा तो काय का, है ना, यहाँ बस आए हैं कि माँ बाप से पैसा और ले ले, है ना, यहाँ जैसे अच्छा पापा 5,000 यहाँ खर्चा आ रहा है, 10,000 वहाँ खर्चा आ रहा है, बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है, और वहाँ जब पेपर होगा तो बता दें सर आज पापा फीवर आ गया था जिस दिन पेपर था, खत्म हो गई कहानी। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फीवर तबीयत खराब थी, पेपर खराब हो गया, जेई मेंस का कोई दिक्कत नहीं, ये लाइफ में तो चलता रहता है, तुम आगे बढ़ो, दूसरी चीज देखो, है ना, ठीक है, तो यही होगा फिर, है ना। डेली आते हो बेटा तुम? तुम पक्का कल नहीं आए थे, तो गड़बड़ हो गया तुम्हारे साथ, तबीयत खराब थी, तबीयत खराब थी, तबीयत खराब थी। तुम बेटा आते हो डेली? हाँ आते हो, तुम तो आते हो, तुम आते हो, तुम डेली आते हो, ये सब बहने लोग सब, इनसे क्या पूछना है, ये कोई दिक्कत नहीं इनको, है ना, तो ये आए चाहे ना आए। एल हॉस्पिटल लगा लो, 0x0 बन रहा है, क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल लगा दो, अरे कुछ भी लगाओ, आंसर आना चाहिए, बस ये नहीं कि दोबारा से इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनने लगे या अनडिफाइंड, बस वो चीज नहीं बननी चाहिए। एल हॉस्पिटल लगाओ, कैसी वैल्यू आ जाए, कुछ फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, तो अप्लीकेबल होगा, ठीक है, जितना भी आए, बट ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिखो बेटा प्लीज, एफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है बेटा, प्लीज बातें नहीं, एक्स प्लस ए मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एक दूसरा फंक्शन जी एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है, दूसरा फंक्शन आपका है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का बी फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव, आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इफ गॉफ एक्स, इफ गॉफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर,
देन ए प्लस बी, देन ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, अच्छे से क्वेश्चन को पहले नोट करो। तो कल संडे है, कल आपकी कोई क्लास है? केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो फिजिक्स की भी है, तो दो क्लास बहुत है। फिर मंडे को मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंसिबिलिटी। क्या स्टार्ट करूंगा? डिफरेंसिबिलिटी, बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा आपका। यार बहुत टाइम बहुत जल्दी हो गया आज, तुम लोग रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाते हो। ये वाला जल्दी करो, क्या बताया जाए। अच्छा आपको कौन कौन से फंक्शन गिवन है? एफ एक्स और जी एक्स। अच्छा किस फंक्शन के बारे में बोला गया है? किसके बारे में? गॉफ। गॉफ कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कहां पर है? सारी वैल्यूज पर है। अब इन्होंने बोला सारी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब एक चीज, तो आपको कहां कहां लफड़ा लग सकता है, ऐसे कहां कहां से लफड़े लग रहे हैं जहां पर आपको लग रहा दुविधा लग रही है? अरे कहां कहां दुविधा लग रही है? इसका क्या गॉफ निकाल सकते हो? अरे इसका गॉफ निकाल सकते हो पक्का? अच्छा जब गॉफ निकाल रहे थे तो कितने पार्ट में टूटा? चार में से कुछ कॉमन वॉमन वाला होगा, उसमें से कुछ कट भी रहे होंगे, तो उसमें से कौन से कटे कौन से बचे? कौन सा कटा कौन सा बचा और किस इंटरवल के लिए बचे? अब कुछ तो बेचारे पेजेस पलटना पड़ेगा, कुछ भूल गए हैं। कंपोजिट फंक्शन नाम की हेडिंग पढ़ी थी, पेजेस पलटो बढ़िया आराम से। गॉफ देखो कैसे निकला, फॉग कैसे निकला, पेजेस पलट के देख सकते हैं। अब उतना भी निकालना नहीं आ रहा तो फिर बेकार है, फिर ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाए इसको, है ना। गॉफ फॉग नहीं निकाल पाएंगे, कितनी बार गॉफ फॉग पढ़ाएंगे? क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, कहां कहां टूटा गॉफ, गॉफ फंक्शन कहां कहां टूट रहा है। एनीवन? क्या बताया जाए। आज ये तुम लोग नहीं निकाल पाए तो छुट्टी भी नहीं करूंगा, समझ लो। मैं भी यहीं बैठूंगा, तुम लोग भी यहीं बैठना, और चार बजे तक, और इसके आगे बढ़ूंगा भी नहीं। इस क्वेश्चन के आगे पेज पलटो, गॉफ देखो, फॉग देखो कैसे आया। गॉफ आया? दिखाओ नोटबुक, दिखाओ बेटा इसकी नोटबुक, लाओ बैठ जाओ बेटे। क्या बढ़िया निकाला बेटा तुमने, सबसे पहला लेस देन जीरो के लिए, दूसरा वाला ग्रेटर देन जीरो के लिए, तीसरा वाला लेस और ग्रेटर दोनों के लिए। ग्रेटर देन जीरो, अरे कॉमन वॉमन तो देखो कुछ। और जब एक्स को रिप्लेस करते तो पूरे एफएक्स से रिप्लेस करते, एक बार पेज पलटो और लगाओ। तो बेटा इसको करो, और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है गॉफ फॉग,
वो अगल बगल वाली नोटबुक में भी ना झांके, चुपचाप बैठे, तो वो कुछ समझ में आएगा नहीं। जिन्होंने पढ़ा है और वो उनका खुद का लिखा समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है, तो तुमको कैसे समझ में आ जाएगा? खुद से लिखा, खुद से पढ़ा, बेटिया क्यों क्वेश्चन लिख रही हो? बेटा अभी लिख गया क्वेश्चन, आगे कुछ हाथ ही नहीं बढ़ रहे हैं उसमें, पेन ऐसे पकड़े बैठे हैं सब, क्या बताया जाए भाई? कोई ऐसा बच्चा है जो इसका गॉफ निकाल सकता है? क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहली बात तो आपने जो निकाला है कंपोजिट फंक्शन गॉफ, वही गलत है। जब गॉफ निकालते हैं तो जी में जहां जहां एक्स होता वहां वहां एफ एक्स, आपने यहां एफ एक्स रखा एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बी, और यहां एफ एक्स रख ही नहीं रहे। अरे यहां भी तो एफ एक्स रखते थे, और इसमें कितने केस बनेंगे? चार। एक बार एफ एक्स ऊपर वाला लेना एक्स प्लस ए, और एक बार दूसरा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। सब छोड़ो, दो मैं सोल्यूशन बताता हूं इसका, तुम लोग रूम पे जाना और तुम रखो अपने पास सोल्यूशन, है ना? समझो, इधर कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस? अरे कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस? गॉफ। तो कंटिन्यूअस कब होगा? किस पर कंटिन्यूअस? मान लेते हैं जीरो पर, ऐसे डायरेक्टली जीरो तो दिख रहा, जीरो पर मान लेते हैं। तो हमने लिखा गॉफ जीरो के लेफ्ट के लिए, गॉफ जीरो पर और जीरो के राइट में, गॉफ जीरो के राइट में, तीनों वैल्यूज कैसी होंगी? इक्वल। अब सुनना बहुत ध्यान से, इधर समझो बेटा, जी के अंदर कौन जाएगा? एफ जीरो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एफ जीरो माइनस, सुनना बेटा, इसका मतलब ये हुआ, एफ जीरो माइनस को देखते हैं थोड़ा सा। एफ फंक्शन में किससे छोटा जा रहा है? किसे? जीरो लगभग है बट जीरो से छोटा। तो एफ फंक्शन में लेस देन जीरो कहां लिखा हुआ है? एफ फंक्शन में ही लिखा है एक्स की वैल्यू लगभग जीरो। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे क्या बचेगा? ए। एक बार फिर से समझना, एक बार बहुत ध्यान से, जी के अंदर कौन जाएगा? एफ जीरो जाएगा। अरे बोलो भाई, अब इस एफ जीरो देखें तो, बट जीरो से लेस वाले के लिए देखना, क्योंकि जीरो माइनस लगा है, तो जीरो से लेस वाले के लिए जीरो पुट करोगे तो क्या बचेगा? ए। अब बचा कितना? जी ए। ए कैसा नंबर है? ए कैसा है? इसका मतलब कैसा हो सकता है? जीरो या पॉजिटिव। तो इसमें कहीं केस लिखा हुआ है? ये वाला केस दिख रहा है क्या? अरे बोलो भाई, इसका मतलब जी में ए जा रहा है और ए नेगेटिव नहीं है, ए जीरो या जीरो से बड़ा, इसका मतलब जी के अंदर जीरो या जीरो से बड़ा जा रहा है। तो जी फंक्शन में जीरो या जीरो से बड़ा जाएगा तो ये फंक्शन होगा, और कितना एक्स की जगह रखना है? ए। जब एक्स की जगह ए रखोगे तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का बी, अच्छा इक्वल टू, अभी कौन सा फंक्शन होगा? गॉफ। इसका मतलब ये तो छोड़ दो, राइट हैंड लिमिट निकाल लें, क्योंकि भाई कैसा फंक्शन ए और बी निकलेगा इसमें, चारों ऑप्शन है एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला थोड़ा सा इजिली पड़ेगा, आसान पड़ेगा, इसको निकालते हैं। जी के अंदर कौन गया? एफ जीरो गया क्या? बट जीरो से थोड़ा सा बड़ा। तो सुनना बेटा, जी लिखा है एफ के अंदर जा रहा है, तो एफ फंक्शन क्या ये दिख रहा है? एफ के अंदर जीरो से जस्ट बड़ा, तो जीरो से जस्ट बड़ा ये लिखा हुआ है। अब इसमें जीरो रखोगे तो ये वैल्यू कितनी देगा? वन। तो एफ जीरो वैल्यू कितनी दे रहा है? वन। एक बार फिर से समझे, कौन सा फंक्शन है ये? एफ फंक्शन। एक्स की जगह क्या? जीरो। जीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो ये दिख रहा है, इसके लिए फंक्शन। एक्स की जगह जीरो रखा, क्या बना? वन। तो इसकी वैल्यू वन हो गई। अब जी के अंदर कौन जा रहा है? वन। अब वन किसके लिए? तो जी में वन रखना है, तो वन ये वाला फंक्शन है या ये वाला? कौन सा? नीचे, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी, मतलब वन इसमें लाई करेगा, तो इसमें जब एक्स की जगह वन रखोगे तो वन माइनस वन
जीरो का स्क्वायर जीरो, क्या बचेगा बी। तो यहां से देखें क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तो जैसे ही दोनों वैल्यूज को इक्वल करोगे तो आई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, बी से बी चली गई तो क्या बची ए बची, ए की वैल्यू वन। तरीका सिंपल सा बता दिया, अरे बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, ए की वैल्यू तो आ गई बट अभी कौन सी वैल्यू निकालनी बी की वैल्यू निकालनी। एक्चुअल में जब आप इस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन गॉफ निकालेंगे तो तीन फंक्शंस बनेंगे, उसमें जो डेफिनेशन चेंज होगी वो जीरो पर होगी और माइनस वन पर। किस पर होगी, जीरो पर और माइनस वन पर। क्यों होगी, क्योंकि जब एक्स की जगह मॉड एक्स रखेंगे तो मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा, अरे मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन देगा, इसलिए वो एक और क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पर हमें चेक करना होगा। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे गॉफ के अंदर माइनस वन की लेफ्ट हैंड लिमिट, गॉफ के अंदर माइनस वन वैल्यू ऑफ फंक्शन और गॉफ के अंदर माइनस वन पर राइट हैंड लिमिट, मतलब माइनस वन पर फंक्शन को चेक करना होगा। अब इधर समझे बेटा, जी के अंदर कौन जाएगा, एफ वन माइनस सॉरी माइनस वन से थोड़ा सा छोटा जाएगा, माइनस वन से थोड़ा सा छोटा। तो अब बहुत ध्यान से देखें, एफ फंक्शन ये है और किससे छोटा, माइनस वन से छोटा। तो माइनस वन से छोटा किसमें है, अरे माइनस वन से छोटा किसमें है, ऊपर वाले में। अरे जीरो से छोटा तो उसी में माइनस वन से छोटा आएगा। तो जब एक्स की जगह माइनस वन रखोगे तो क्या देगा, माइनस वन प्लस ए देगा। तो ये वैल्यू देगा माइनस वन प्लस ए, ठीक है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस वाले केस में यहां पर कुछ वैल्यू आप बता पा रहे हैं कि कितनी क्या मिलेगी, ए कैसा नंबर है, ए कितना है वन है, ए कितना आ गया वन, ए तो पता चल गया, वन और माइनस वन मिलकर के जीरो। तो ये जीरो प्लस देगा या जीरो माइनस, लगभग कितना देगा, जीरो माइनस देगा है? एक बार पक्का, तो जीरो माइनस देगा मतलब ये वाला फंक्शन होगा। अरे बोलो भाई, तो इसमें हम लोग इसमें रख के देखें तो एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस वन प्लस ए और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस वन। तो ये क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी, ए क्वांटिटी मिल जाएगी। अच्छा इस वाले में आ जाओ, जी के अंदर कौन जाएगा, एफ और थोड़ा सा माइनस वन से बड़ा। तो माइनस वन से जब बड़ा डालोगे तो माइनस वन से भी जस्ट बड़ा इसी में मिलेगा। तो जब इसमें मिलेगा तो ये आपका कितना बन के आ जाएगा, माइनस वन प्लस ए। तो जी के अंदर कौन गया, माइनस वन प्लस ए। अरे बोलो बेटा, माइनस वन प्लस ए जाएगा कि नहीं, अरे बोलो भाई, इसका मतलब अगेन वही सेम वैल्यू आ जाएगी, अगेन वही सेम आ जाएगी, कितना आ जाएगा क्या, इसमें नीचे वाला आएगा। अच्छा हाँ, ये जीरो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में कितना आ जाएगा, यहां पर वैल्यू रखोगे कितना बनेगा, माइनस वन प्लस ए कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। इन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल। जैसे इक्वल करोगे क्या बी की वैल्यू निकाल ले जाओगे, निकालो बेटा स्पीड में, स्पीड में इसको कैलकुलेट करें। B की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। तो B इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सही है, B की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। क्या B इक्वल टू जीरो निकल के आ रहा है, नोट कर लो भाई स्पीड में। ये सिंपल सा तरीका है, वैसे सबसे आसान क्या है, आप कौन सा फंक्शन निकालो वैसे बना लो और वहां से बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बट आप वो बना के देखो, यदि नहीं बनाओगे तो फिर क्या है, बात अलग है। तो यहां पर क्या है, माइनस वन से जस्ट बड़ा है,
ठीक है, तो ये किससे बड़ा चला जाएगा, जीरो या जीरो से जस्ट बड़ा, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। इसमें रखोगे और दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्वल करने पर और ए की जगह क्या रख दीजिए, वन रख दीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब ए प्लस बी कितना निकल के आ जाएगा, वन प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू वन। क्लियर है? चलिए एक और इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। आज के क्या बताया जाए, क्वेश्चंस तुम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। चलिए इस वाले को क्वेश्चन को करते हैं। इफ एक फंक्शन दे रखा बेटा, प्लीज बातें नहीं, एफ एक्स इक्वल टू, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कॉस साइन एक्स। आपको सब बहुत आसान लगता है, सब इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कंटिन्यूटी में जैसे करा रहे हैं। अपॉन एक्स की पावर फोर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवेन है, एफ जीरो इक्वल टू वन बाई के, ये इंफॉर्मेशन गिवेन है, तो के की वैल्यू बतानी है। एक आपको एफ एक्स फंक्शन गिवेन है, इधर देख लो बेटा, आपको कौन सा फंक्शन गिवेन है, एफ एक्स। बोला गया ये फंक्शन कैसा है, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, और कब है, एक्स इक्वल टू जीरो पर, और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, वन बाई के। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नोट कर ले, इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। अब इस पे टाइम लॉस नहीं करते क्योंकि तुम लोगों को दो तो आधा घंटा लग जाएगा, 10 मिनट, तो तुम लोग कुछ कर तब भी नहीं पाओगे। इधर समझो बेटा, फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस है, जीरो पर। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अरे बोलो भाई, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो पर कितना होगा, एफ जीरो होगा क्या। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स होगा क्या। अच्छा इसमें हम लोग देखें राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स होगा। एक बार हमने जीरो प्लस पर देखा, एक बार जीरो माइनस पर, एक वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये लिमिट कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। वहां पर जो चार ऑप्शन थे उसमें के का आंसर था, मतलब के की वैल्यू निकलेगी, मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं, एफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट। तो हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स। क्या लिख देते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स। क्यों, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ना तो ग्रेटर के लिए और ना ही लेस के लिए। और बोला गया ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस है तो ये दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि सेम फंक्शन है तो चाहे लेफ्ट निकालो चाहे राइट, वैल्यू तो सेम आएगी। उससे बेटर हम किसको निकाल दें, अरे ये वैल्यू ऑफ फंक्शन की जगह वैल्यू ऑफ फंक्शन, और लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे तो इसकी जगह सीधे सीधे क्या निकाल दें, लिमिट। इसका मतलब एफ जीरो, एफ जीरो की जगह क्या रखोगे, वन बाई के, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। क्या एफ जीरो की वैल्यू पता है, कॉस के अंदर कौन जा रहा है बेटा, साइन एक्स, आगे क्या लिखा है, कॉस एक्स, अपॉन में कितना लिखा है, एक्स की पावर फोर। कौन सी वाली लिमिट है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक, बट एल हॉस्पिटल क्यों नहीं लगाना, चार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नानी याद आ जाएगी, चेन का चेन बनता चला जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, उनको पता था तुम जीरो बाय जीरो देखोगे, एल हॉस्पिटल लगाओगे, नानी याद आ जाएगी, सीमा बीमार हो जाएगी, उड़ भी जाएगी, है ना, तब भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप करके देख लेना एल हॉस्पिटल, क्योंकि क्वेश्चन पूछा, उनको पता तुम हर जगह एल हॉस्पिटल लगा देते हो जब सीमा बीमार हो जाती है ना। अरे बात समझ में आ रही, तो अभी इसमें लगा के देखना, सीमा बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगी, है ना, देखना करके। तो अभी इधर आ जाओ बेटा, क्योंकि टाइम ज्यादा लॉस ना करें, इसको सॉल्व कर लें। तो 1 बाई के वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस वगैरह लगाने पड़ेंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला आता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाय टू, दिस प्लस दिस क्या बचा, एक्स प्लस साइन एक्स बाय टू, क्या ये लिखेंगे। अरे इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर चले जाओ, तो आना नहीं दोबारा, सकल नहीं दिखाना। क्या लिखोगे, cos c माइनस cos d, दैट इज फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन c प्लस d बाई टू, और फिर क्या लिखोगे, साइन d माइनस c। अरे बोलो भाई, तो d की जगह कौन,
एक्स सी की जगह कौन साइन एक्स, तो क्या लिखोगे एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू। क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे बोलो बेटा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देता हूं, कॉस सी माइनस कॉस डी दैट इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन टी माइनस सी बाई टू। सी इस साइन एक्स को माना, डी किसको माना एक्स को। अच्छा अपॉन में कितना लिखा हुआ है एक्स की पावर फोर, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा इसमें किसको दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू कितनी जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो यहां पे रख के देखो, यदि इसमें रख के देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इसको दिक्कत हो रही है ना, ये पूरा जीरो हो रहा है, यहां भी कैसा हो रहा है जीरो, तो यहां तो लफड़ा हो गया, मतलब सब तो जीरो जीरो बना रहे हैं और नीचे भी जीरो, मतलब अब इसका साइन चिल्ला के कहता जब उसके अंदर जीरो बने तो जो उसके अंदर वही क्या हो नीचे भी हो, तो वही सेम चीज हम लोग कहां बना ले नीचे। अब यदि आप लोगों ने क्लासेस की तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, ऊपर टू लिखा है साइन, साइन के एंगल में कितना है एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू है, तो जितना एंगल में उतने ही नीचे बना दो एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू, तो नीचे उतने से डिवाइड कर दिया हमने। अच्छा फिर ऊपर भी एक लिखा हुआ है साइन, साइन लिखा हुआ है एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू, उतनी ही सेम क्वांटिटी नीचे बना दो एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू। अच्छा अब इसके आगे देखें, ये एक्स की पावर फोर पहले से लिखा हुआ है, बट हम लोगों ने किससे डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है एक्स, ये वाली क्वांटिटी से डिवाइड और इससे डिवाइड, तो उतना उतने से क्या करोगे मल्टीप्लाई भी करोगे, तो यहां थोड़ा सा कम जगह पड़ रही है, क्या हो रहा है, इससे कम नहीं होगा, इधर इधर कर दे इसको, अब इधर समझो बेटा, तो जितना डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई, बाद में लिख लेना उसको, इधर समझो बेटा, तो ये डिवाइड हुआ इससे मल्टीप्लाई एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू लिखा, और ये वाली डिवाइड की क्वांटिटी तो इससे भी मल्टीप्लाई एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, और इस वाली भी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, ये एक्स की पावर फोर बाहर भेज देना। अरे बोलो भाई, साइन के अंदर जितना लिखा क्या वो जीरो है, और उतनी क्वांटिटी नीचे तो इसकी वैल्यू वन, साइन के अंदर जितना लिखा उतना ही नीचे लिखा और जो साइन के अंदर क्या वो जीरो है, ठीक है। तो अब बचा थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन, वन बाई के लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये ऊपर टू बच रहा है और ये क्या बच रहा है एक्स प्लस साइन एक्स और अपॉन में साइन एक्स बाई टू, ठीक है, और अपॉन में एक्स की पावर फोर बाद में लिख देंगे एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टू, ठीक है, और ये एक्स की पावर फोर। एक काम करो, एक्स और एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर था ऐसे लिख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, ये टू ये टू, ये वाला टू अभी बचेगा, इसको बाहर फेंक दे, इसको बाहर फेंकोगे वन बाई के बराबर था, वन बाई के इक्वल टू चल रहा था, वन बाई के इक्वल टू, ये वाला टू बाहर आया लिमिट, बहुत ध्यान से समझते चले जाओ बेटा, x अपॉन x, अरे x अपॉन x वन, साइन x अपॉन x वन, इस जगह पर आ जाओ, ये टू बाहर फेंक चुके हैं। याद करो क्या ये लिमिट हम लोगों ने सॉल्व की थी, लिमिट x टेंस टू जीरो x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, एल हॉस्पिटल के द्वारा इस लिमिट को सॉल्व किया था, कितना आया था माइनस वन बाई सिक्स, पक्का एक बार पेज पलट के देख लो, माइनस वन बाई सिक्स आया था या प्लस वन बाई सिक्स, एक बार इतना देख लो या निकाल के देख लो, कितना आया था प्लस वन बाई सिक्स था, पक्का, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी वन बाई सिक्स, तो क्या ये सेम चीज यहां पर बन रही है, अरे टू तो बाहर फेंक चुके हैं, तो इसकी वैल्यू वन बाई सिक्स, तो ये टू और ये टू उड़ गया, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सिक्स, एक बार बस ये जरूर चेक कर लेना कहीं माइनस वन बाई सिक्स तो नहीं था, प्लस था, पक्का, तो ये आंसर आ गया। थोड़ा सा इधर करें पहले, क्योंकि अभी इसमें भी डिस्कस करते तो डिस्कस ही करते रह जाते 20 मिनट लग जाते, तो अब इतना टाइम नहीं है, तो समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो ठीक, जाओ घर, घर जाओ आराम से। जब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, x अपॉन x की वैल्यू 1 हो गई, sin x अपॉन x 1 हो गया,
यहां समझो बिल्कुल सिंपल सा है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा यहां पर, जितना साइन के अंदर उतने से डिवाइड, जितना साइन के अंदर उतने से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी उतना ही मार दो, इसकी वैल्यू वन, इतना भी नहीं आया, साइन के अंदर जो है वही नीचे, उसकी वैल्यू वन। अब आगे वाला जो बच रहा है एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, वो तो टू दे देगा, और एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब कितना दे देगा, वन बाई सिक्स दे देगा, उधर वन बाई के, इधर वन बाई सिक्स, टू टू चला गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ ऐसे हमारे छात्र हैं जिनके बैग क्लोज हो चुके हैं, जब इधर पूरा दिख ही नहीं रहा है तो उन्होंने पूरा लिख लिया होगा, थोड़ा सुपर फास्ट है, इसको नोट कर लो फिर बेटा, बस अब बैग पैक करो तुम लोग। नेक्स्ट टर्न से क्या स्टार्ट करूंगा, डिफरेंसिबिलिटी स्टार्ट करूंगा, है ना, आराम से स्टार्टिंग से करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट रिवाइज कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से तो बिल्कुल भी लीव नहीं करना, ठीक है। चलो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, उसको नेक्स्ट टर्न पे अनाउंस करूंगा,